स्टडी मतलब दोस्तों एग्जाम सर पे है और आपका एक एक पल कीमती है, इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक छोटी सी वीडियो जिसमें दो टॉपिक हम कवर करेंगे। एक है हमारा रिपोर्ट राइटिंग, एक है हमारा स्टोरी राइटिंग। दोनों ही 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो पहले देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग को कि रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब ये होता है कि कोई आपके इवेंट हुआ और उस इवेंट में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी कुछ हुआ वो सब जब हम बताते हैं तो हम कहते हैं भैया रिपोर्ट राइटिंग, हमने रिपोर्ट कर दिया, बता दिया जो जो हुआ। ठीक है, अब जो इवेंट होते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं, वो टोटल मिला लोगे ना पूरी दुनिया के भी इवेंट तो दो ही तरह के होंगे। एक होते हैं हमारे अच्छे इवेंट। अच्छे इवेंट कैसे, कि भाई कोई एनुअल डे फंक्शन था वो सेलिब्रेट हुआ, कोई फेयरवेल सेलिब्रेट हुई, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, कोई क्विज हुआ साइंस से रिलेटेड, कोई क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज हुआ वो हुआ। अच्छी अच्छी बात है, अच्छे अच्छे इवेंट। एक हो गए हमारे बुरे इवेंट। बुरे में क्या हो सकता है, कोई सड़क दुर्घटना हो गई, कोई फ्लड आ गया, कोई हमारे अर्थक्वेक आ गया, इस तरह के बुरे इवेंट जो हो गए वो अलग हो गए। अब मैं आपको बताता हूं पैटर्न रिपोर्ट राइटिंग का जो आप फॉलो करोगे और फुल मार्क्स लेके आओगे। चलिए शुरू करते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग में सबसे ऊपर तो आप लिखोगे उसकी हेडिंग। अब हेडिंग ज्यादातर तो एग्जाम में आपको दी गई होती है, अगर नहीं दी गई होती ना तो कुछ मत करना, आप पढ़ना कि भाई कौन सा इवेंट हुआ था। अब मान लीजिए ब्लड डोनेशन कैंप था तो ब्लड डोनेशन कैंप लिख देना, या कोई एनुअल डे फंक्शन था तो एनुअल डे फंक्शन लिख देना। ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे होगा फिर बाय लगाएंगे और जिसने वो रिपोर्ट लिखी है ना वो अपना नाम लिखेगा। एग्जाम में आपको दिया गया होता है यू आर राम रश्मि, तो राम रश्मि यहां पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या आएगा, फिर आएगी जगह, जिस जगह पे बैठ के आप वो रिपोर्ट लिख रहे हो, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली आ गया। अब फिर आएगी डेट, जैसे 27th Feb 2019, इस तरह से आप डेट डाल दोगे। इतना कर दिया, कर दिया। अगर आपने इतना भी कर दिया ना तो यहीं पर आपको जो नंबर मिल जाएगा, एक एक नंबर आपको इस बात का मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं पहले जो अच्छे अच्छे इवेंट होते हैं ना, अच्छे वाले इवेंट जो है उनको कैसे आपको ट्रिक के साथ करना है उसे समझते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, डैश और इवेंट का नाम, जैसे एनुअल डे फंक्शन था तो वो आ जाएगा, ब्लड डोनेशन कैंप था तो वो आ जाएगा, वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, और जिसने भी ऑर्गेनाइज किया था उसका नाम। अब जैसे मान लो एनुअल डे फंक्शन था वो स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया था तो स्कूल का नाम आ जाएगा एस के वी वी वी, ऐसे मैंने लिख दिया। ऑन, और अब आ जाएगी डेट कि भाई किस डेट को हुआ था वो फंक्शन, वो डेट आपने यहां लिख दी, हाँ लिख दी। आगे एट, और यहां आ जाएगा प्लेस के किस जगह पे हुआ था, मान लो स्कूल ऑडिटोरियम में हुआ था तो स्कूल ऑडिटोरियम का यहां नाम आ जाएगा और फुल स्टॉप लग जाएगा। ये सब में कॉमन चलेगा, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे कोई एनुअल डे फंक्शन हो, फेयरवेल हो, कोई साइंस का क्विज हो, कॉमन आ गया, आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब आगे लिखोगे द फंक्शन। अब फंक्शन है तो फंक्शन आ जाएगा, इवेंट है तो इवेंट आ जाएगा। द इवेंट स्टार्टेड एट, और टाइमिंग आ जाएगी, मान लो 9 बजे स्टार्ट हुआ, 9 AM, एंड लास्टेड टिल मान लो 5 PM। अब एक बात बताओ, कोई भी फंक्शन होगा वो शुरू होगा मॉर्निंग में शुरू होगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया कि भाई 9 बजे शुरू हुआ और 5 बजे तक चला। दोस्तों ये कॉमन लाइन है, कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी अच्छी वाली, अच्छे वाले इवेंट की, तो उसमें सब कॉमन चलेगा, है ना मजेदार ट्रिक। ठीक है, पहले पैराग्राफ में ये बात हो गई, हो गई। एक बात और इसमें ऐड कर सकते हो क्या, मैनी पीपल, अब पीपल है तो पीपल, वरना स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स लिख दोगे, मैनी पीपल स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन इट, कि उन्होंने इसमें भाग लिया। अब जो भी इवेंट होता, मान लो कोई ब्लड डोनेशन कैंप था तो उन्होंने खून देने में भाग लिया, एनुअल डे फंक्शन था तो वहां पार्टिसिपेट किया स्टूडेंट्स ने, ये लाइन आपकी कॉमन रहेगी पहले पैराग्राफ के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पैराग्राफ में। दोस्तों दूसरे पैरा में आपको क्या करना है, अब ये तो हमने बता दिया कि क्या हुआ था, अब उसमें क्या क्या हुआ वो सब आप लिखोगे, और उसको कैसे लिख सकते हो, क्वेश्चन में आपको ना हेल्प दी गई होती है, 2-3 लाइनों की में ना हिंट दी गई होती है, उन हिंट से आप बना बना के यहाँ दूसरा पैराग्राफ लिखोगे। लिखने में आपको पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, रिपोर्ट पास्ट टेंस में लिखी जाती है, पास्ट टेंस में। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते जाओ, सेंटेंस बनाते जाओ। तो यहां आप इससे रिलेटेड और बातें लिख सकते हो, एनुअल फंक्शन था तो क्या लिख दोगे कि बच्चों ने डांस किया, परफॉर्मेंस दी और स्पीच दी और उन्होंने बहुत अच्छे ड्रामा करके दिखाए, तो ये सारी बातें आप इसमें लिख दोगे, मैं उम्मीद करता हूं इतना तो आप कर लोगे। अब आ जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो क्या है, ये करने के बाद आप लिखोगे चीफ गेस्ट। दोस्तों चीफ गेस्ट बहुत बढ़िया चीज रहती है इसके अंदर,
ठीक है, जिसे हम मुख्य अतिथि कहते हैं। अब आप बुला देना किसी भी मुख्य अतिथि को, अब कोई भी रिपोर्ट है, मान लो अब ये एनुअल डे फंक्शन था, उसमें मैंने मुख्य अतिथि बुला दिया, स्कूल के ट्रस्टी को बुला दिया या किसी लोकल एमएलए को बुला दिया, उसे बुला दिया, तो भाई बोल सकते हो कि द चीफ गेस्ट वॉज, और उसका नाम लिख सकते हो जो चीफ गेस्ट था। अगर कोई क्रिकेट मैच के ऊपर रिपोर्ट थी तो किसको बुलाओगे, क्रिकेटर को बुला लेना, गौतम गंभीर को बुला लेना, धोनी को बुला लेना, ठीक है ना। ज्यादा कुछ ना मिले ना तो मुख्यमंत्री को बुला देना, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के हो गए उनको बुला देना, योगी आदित्यनाथ यूपी के उनको बुला देना, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखोगे भाई, चीफ गेस्ट आएंगे वो स्पीच देंगे, तो आप बोल सकते हो कि ही डिलीवर्ड अ स्पीच देयर, उन्होंने एक स्पीच दी, ही मोटिवेटेड द स्टूडेंट एंड ही अप्रिशिएटेड द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, ही डिस्ट्रीब्यूटेड द अवार्ड्स टू द स्टूडेंट्स, इस तरह से बात कहेंगे। हाँ बिल्कुल कहेंगे, और क्या कहेंगे, एट लास्ट, और इसी में फिर आप कंक्लूजन लिख सकते हो, एट लास्ट ही अप्रिशिएटेड द इवेंट and he was very happy there, ऐसे बोलते हैं वो बहुत खुश थे, उन्होंने appreciate किया इसको जो आपका initiative था। तो इस तरह की बातें आप chief guest related लिख सकते हो बड़े मजेदार तरीके से। और एक common line क्या लिख सकते हो कि it was very successful event। अब ये सारी बातें जब ही लिख पाओगे, जब chief guest को बुला पाओगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसमें बहुत आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब रिपोर्ट जितने भी वर्ड्स में आपसे कही गई है अकॉर्डिंगली आप उसको बना सकते हो। दोस्तों अब कोई बुरा इवेंट अगर हो तो उसमें क्या चेंज करना है, उसमें बाकी ऊपर का तो सेम ही रहेगा, बस पहली लाइन आपको चेंज करनी है। यहां लिखना है कि जैसे रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस, बस इतनी बात कि भाई एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, ऑर्गेनाइज थोड़ी किया गया था कि आओ टक्कर टक्कर खेलते, तुम सामने से आना मैं सामने से आऊंगा आपस में टक्कर करेंगे, नहीं नहीं, लेकिन बाकी चीजें तो सेम रहेंगी, डेट कब हुआ था, कहां हुआ था भाई, कैसे कैसे हुआ था वो लिख लिया, बाकी बातें भी लिख दी, इतने इंजर्ड हो गए, एम्बुलेंस आई, लोकल लोगों ने सहायता करी। अच्छा फिर चीफ गेस्ट को बुला, है ना, चीफ गेस्ट आएगा और कहेगा वाह 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 क्या एक्सीडेंट था, बड़ा मजा आया, ऐसे एक्सीडेंट होते रहने चाहिए, ऐसा थोड़ी होगा। तो चीफ गेस्ट इसमें नहीं आएगा, बल्कि यहां पर आप और चीजें दिखाओगे कि भाई उनको घायलों को अस्पताल में ले जाया गया और उनका ट्रीटमेंट किया गया, ये वाली बातें आ जाएंगी। इसकी लेंथ आप शॉर्ट भी करते हो तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको रिपोर्ट राइटिंग में अब कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टोरी राइटिंग, कहानी लिखना, 10 नंबर का सवाल आता है और ये 10 नंबर मैं आपको दिलाऊंगा, बस मेरे स्टाइल में इसको सीख लीजिए। कोई भी स्टोरी होती है ना, उसका एक मेन कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर जिसे हम मुख्य किरदार कहते हैं। अब ये कैरेक्टर कोई इंसान हो सकता है, कोई भूत हो सकता है, जी हाँ सही सुना आपने, कोई भूत भी हो सकता है। भूतनाथ फिल्म देखी है ना अमिताभ बच्चन की, तो भूत भी हो सकता है, कोई कुर्सी हो सकती है, कोई जानवर भी हो सकता है, हाथी मेरे साथी, तो इस तरह के चीजें भी कैरेक्टर हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, और क्या होगा, अब जो कैरेक्टर होगा ना उसमें आपको डालनी है कोई प्रॉब्लम। अब कैरेक्टर हो गया, उसके साथ कोई प्रॉब्लम डालोगे आप, परेशानी, परेशानी के बाद आएगा कोई समाधान, कहानी शुरू हुई, कैरेक्टर आया, कैरेक्टर को प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन निकला, और फिर लास्ट में कंक्लूजन दिखा दिया। कंक्लूजन का मतलब ही होता है निष्कर्ष। अब ये सारी चीजें जो होंगी, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई हिंदी फिल्म हो, बिल्कुल सही बात, यहां पर ये हीरो हो गया, हीरो को प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन निकला और फिर हमें उससे कोई सीख मिली, कंक्लूजन निकला। अब जो भी कहानी होगी वो टेंस कौन सा होगा, हमारा टेंस होगा वो पास्ट टेंस। तो ये याद रखना, कोई भी कहानी कौन से होगी, बीते हुए कल में होगी, पास्ट इंडेफिनिट का ज्यादा इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट रखो, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ और बात करते चले जाओ। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। और क्या होता है इसके अंदर, अब कोई भी जो स्टोरी होती है उसका एक नाम भी दिया जाता है जिसे हम कहते हैं टाइटल। अब टाइटल कैसे लिखें, सबसे पहली बात सुनो, पहले सारी स्टोरी लिख लेना और लास्ट में टाइटल को सोचना, और सोचने के बाद सबसे ऊपर वो टाइटल आप लिख देना। ऐसा इसलिए ताकि स्टोरी जब लिख लो तो आपको एक आइडिया हो जाए कि किसके बारे में ये पूरी बातें चल रही हैं। टाइटल जरा मजेदार होना चाहिए, जीने नहीं दूंगा, मेरे बदले की आग, सिंघम रिटर्न, तो इस तरह के टाइटल जो थोड़े मजेदार हो, रोचक हो, वो आपको इसके अंदर रखने हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई, जी हो गई। अब एक बात सुन लो, क्या कि अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा है और ये क्वेश्चन आप और मैं दोनों मिलकर करेंगे इसी टेक्निक से। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन पढ़ने। क्वेश्चन है हमारा, It was festive time. There was a lot of excitement in the air. The sound of crackers could be heard all around. Shashi was enjoying it every bit, but all of a sudden,
रुक गई कहानी, अब आगे मुझे बताना है। अब इसमें सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, मेन कैरेक्टर कौन सा है, दिमाग दौड़ाओ। जैसे ही कोई कहानी देखी, कहानी में क्या देखना है, मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर कौन है, शशि बाला। मान लो ये शशि बाला है, लड़की है, मैं मान रहा हूं इसका नाम शशि बाला। शशि बाला मेन कैरेक्टर हुई, इसके इर्द गिर्द, शशि के इर्द गिर्द मेरी कहानी रहेगी, पास्ट इंडेफिनिट यूज करता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम डालनी है। हो क्या रहा है यहां पे, यहां पटाखे चल रहे हैं, फेस्टिव सीजन है, उत्सव का माहौल है, शशि बाला एंजॉय कर रही है, शशि एंजॉय कर रही है, पटाखे चल रहे हैं, शशि एंजॉय कर रही है, पटाखे चल रहे हैं, शशि एंजॉय कर रही है। प्रॉब्लम डालनी है, प्रॉब्लम क्या डालोगे, सोचो सोचो। पटाखे पटाखा आया, शशि के लग गया। जी हाँ, अब इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन अ क्रैकर फेल नियर शशि एंड शी गॉट इंजर्ड। के एक पटाखा आया और शशि के पास गिर गया और शशि इंजर्ड हो गई। कोई उसकी तरफ दौड़ा, सोचो ना, पटाखा लगा, सब भागे, भाई क्या हो गया, उसकी तरफ दौड़े और क्या किया होगा, फिर क्या किया होगा। एंड शी वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। She had been hospitalized for 3 days. वो 3 दिन तक hospitalized रही, इस तरह से आप लिख सकते हो, होता है ना ऐसे ही। और क्या हुआ है, problem ही बता रहे हैं अभी। अभी क्या हुआ, festive season था ना, तो all the happiness turned into a horrible event. कि ये जितनी भी खुशियां थी वो एक भयंकर, एक डरावने इवेंट में बदल गई, ऐसा बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। अब उसके सोल्यूशन पे आना है। सोल्यूशन क्या हुआ भाई, उसको ट्रीटमेंट दे दिया गया एंड शी गॉट वेल, अब वो सही हो गई। अब देखना सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन ये था कि भाई वो सही हो गई, और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, वो पटाखा जो उसके पास आया, वो किसी ने ताना थोड़ी मारा होगा, क्यों आया था, वो भी तो एक प्रॉब्लम थी, वो सोचनी है हमें। तो मैं बोल सकता हूं कि अ चाइल्ड वाज प्लेइंग विद क्रैकर्स, एक बच्चा था वो क्रैकर से खेल रहा था, और विदाउट द मॉनिटरिंग ऑफ एनी एल्डर, किसी भी एल्डर की निगरानी में खेल रहा था, उसके साथ कोई बड़ा नहीं था, एंड दैट मेड शशि बर्नट, और जिसकी वजह से शशि जल गई। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं आपके वर्ड्स में बता रहा हूं, बहुत सिंपल सिंपल। अब सॉल्यूशन क्या होना चाहिए इसका, सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि एवरी चाइल्ड शुड प्ले द क्रैकर, या शुड बर्न द क्रैकर्स अंडर द मॉनिटरिंग ऑफ देयर एल्डर, कि भाई वो अपने एल्डर की मॉनिटरिंग में ही, या उनकी निगरानी में ही उन्हें पटाखों से खेलना चाहिए, सो दैट सच मिसहैपनिंग कैन बी प्रिवेंटेड, ताकि ये मिसहैपनिंग जो हुई है, ये दुर्घटना जो हुई है, वो प्रिवेंट हो सके, उससे बचा जा सके। एंड इट इज वेल सेड दैट, कंक्लूजन क्या होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये मैंने पूरी आपको स्टोरी बताने की कोशिश करी, मेरा कैरेक्टर था, फिर मैंने उसमें प्रॉब्लम डाली, सोल्यूशन डाला और कंक्लूजन डाला। आप इसके अलावा भी कोई स्टोरी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इसका टाइटल क्या रखें, पूरी स्टोरी बना ली, अब टाइटल क्या हो सकता है, मैं लिख सकता हूं अ हॉरिबल नाइट ऑफ दिवाली, एक ऐसे में इसको बना सकता हूं, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, एग्जाम सर पर है और यही टाइम है किसी की हेल्प करने का। याद रखना, आप अगर किसी की हेल्प करोगे ना, तो ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये वीडियो सभी साथियों तक शेयर करें और मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।